वेलकम टू माय चैनल एरिस किचन। मैं नीता अग्रवाल। आज हम स्प्राउटेड सीड्स स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज हम स्प्राउटेड मूंग के बारे में जानेंगे। हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। स्प्राउटेड मूंग में कई तरह के तत्व होते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, कैलोरी, फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, जिंक, इस तरह के कई सारे तत्व स्प्राउटेड मूंग में होते हैं। जब किसी को बुखार या सर्दी होती है, उसमें डॉक्टर जो टेबलेट लिख देते हैं, उस टेबलेट के पीछे उसका कंटेंट लिखा होता है। उस कंटेंट में विटामिन पोटेशियम की मात्रा लिखी होती है, जो स्प्राउटेड मूंग में भी होती है। इसलिए डॉक्टर ऐसे मरीजों को स्प्राउटेड मूंग खाने की एडवाइस देते हैं। मैं यहाँ आधी कटोरी मूंग ले रही हूँ। मूंग को हम 4 से 5 पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। मूंग को वॉश कर लिया है तो अब हम इसमें साफ पानी डालेंगे। मूंग की जितनी मात्रा है उससे हम 3 गुना पानी ज्यादा ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने 1 कटोरी मूंग लिया है तो आप 3 कटोरी पानी ऐड करें। मूंग में जो पानी ऐड किया है वो पानी नॉर्मल है, न तो ये ठंडा है न तो ये गर्म है। मूंग को पानी में 5 से 6 घंटे तक रखेंगे। जब मूंग को पानी में 5 से 6 घंटे तक रखेंगे तो मूंग की साइज दुगनी हो जाएगी। अब मूंग के ऊपर प्लेट रखकर 5 से 6 घंटे तक रखेंगे। 6 घंटे के बाद मूंग को देख लेना है। मूंग के अंदर का पानी है वो हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये पानी को फेंकना नहीं है, ये पानी को आप पी सकते हैं या कोई भी प्लांट में इसे डाल सकते हैं। ये पानी पीने से ह्यूमन बॉडी का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है। मूंग में से जो पानी निकलता है वो पानी बहुत ही फायदेमंद होता है, तो ये पानी फेंकेंगे नहीं। मूंग की जो साइज थी वो 2 गुनी हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मूंग थोड़ा सॉफ्ट बन गया है, कुछ इस तरह का हो गया है। अब हम एक छलनी लेंगे। छलनी के ऊपर कॉटन का कपड़ा रख देते हैं। कपड़े के अंदर मूंग को डालेंगे। कॉटन का कपड़ा एकदम पतला होना चाहिए। अब मूंग को एक पोटली बनाकर ढक देते हैं। ये इतना पतला कपड़ा है, इसमें मूंग भी दिख रहा है। मूंग वाली पोटली को हम एक बाउल में रखेंगे। अब इसके ऊपर हल्की सी प्लेट रख देते हैं और 16 घंटे तक छोड़ देते हैं। 16 घंटे के बाद मूंग को देख लेते हैं। एकदम स्प्राउटेड मूंग बन गया है। ये स्प्राउटेड मूंग बहुत ही अच्छा बना है, तो अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। ये स्प्राउटेड मूंग आप ऐसे ही खाए ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसमें मसाला भी डाल के खा सकते हैं। इस स्प्राउटेड मूंग में विटामिन की मात्रा भरपूर होती है, ये हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो तैयार है हमारे स्प्राउटेड मूंग। आई होप कि स्प्राउटेड मूंग का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।